हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, यहाँ पर मैं बना रही हूँ वाटरमेलन का जूस। और बस यहाँ पर मैंने वाटरमेलन काट लिया है और उसे ना अच्छे से चार हिस्सों में काटना है आपको, और इस तरह से चम्मच से आपको निकाल लेना है उसका जो रेड वाला हिस्सा है। अगर आप चम्मच से निकालते हो ना, इस वाले चम्मच से, ऐसे राउंड वाले चम्मच से, तो बहुत जल्दी निकल जाता है। चाकू से काटते बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसीलिए आपको इसे पीसना ही है, तो इसीलिए मैं ऐसे ही चम्मच से ही काट ले रही हूँ, मतलब निकाल ले रही हूँ सारा जो रेड पार्ट है इसका। तो बस इस तरह से निकाल लूँगी रेड पार्ट इसका, और इसका हमें जूस बनाना है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, और डाइट वगैरह अगर आप कर रहे हो ना, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब बहुत टेस्टी लगता है यार, ये मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। बट आज ना बच्चों के लिए ही सिर्फ बना रही थी, क्योंकि हमें डिनर करना था और बच्चों को ये पीना था, तो मैंने सोचा चलो बच्चों के लिए बना देती हूँ। और अगर आप शुगर ऐड करना चाहते हो तो शुगर ऐड कर सकते हो, नहीं तो ये ऑप्शनल है बिल्कुल भी। अगर वाटरमेलन ही बहुत ज़्यादा मीठा है तो आपको शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर थोड़ा सा फीका है वाटरमेलन तो आप शुगर ऐड कर सकते हो। बच्चों के लिए थोड़ा सा मीठा लगता है बच्चों को, तो पीने का मज़ा आता है बच्चों को, इसी वजह से मैंने थोड़ी सी शुगर ऐड कर दी थी। और इसे छानने वानने की ज़रूरत नहीं है आपको, ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो ऐसे ही पसंद है। अगर आपको ऐसे पसंद नहीं है तो आप छान सकते हो थोड़ी मोटी वाली छन्नी से, बट मुझे ना ऐसे ही पसंद है, और ये ऐसे ही टेस्टी लगता है। मतलब इसका जो नेचुरल फ्लेवर है वो आ जाता है इसमें, और आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रहा है। तो अगर आप बनाते हो तो अच्छा है, अगर नहीं बनाते हो एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको, बहुत पसंद आएगा। गाइज, अभी बज रहे हैं 8:30 शाम के, और बहुत लेट ब्लॉग स्टार्ट किया है आज, क्योंकि सुबह से ना, मतलब पता नहीं क्यों आज ऐसा हो रहा था कि बिल्कुल ब्लॉग स्टार्ट करने का मन ही नहीं कर रहा था। ऐसा होता है कभी कभी, हैप्पी रहता है बट ब्लॉग स्टार्ट करने का मन नहीं किया, कुछ काम करने का मन नहीं किया, तो आज बहुत कम काम किया मैंने, सिर्फ खाना बनाया था, बाकी जो अपना रेगुलर का होता है, जो डेली रूटीन होता है वो किया, और एक्स्ट्रा के कोई भी काम नहीं किया। मैंने आपको कल बोला था कि मैं पापड़ा जो आधा बचा हुआ है वो भी डाल दूंगी, बट वो भी नहीं डाला मैंने आज, एक्स्ट्रा कोई भी काम नहीं हुआ आज। आपके साथ भी ऐसा होता है कि मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि मुझे उस दिन ऐसे काम करने का बिल्कुल मन नहीं किया, तो मैं ऐसे रिलैक्स हो जाती हूँ उस दिन कि नहीं यार आज कुछ भी काम नहीं करते हैं, आज सिर्फ रिलैक्स ही करते हैं, तो ऐसा होता है बहुत बार मेरे साथ। और हाँ, थैंक यू सो मच, आपने कल के ब्लॉग को इतना प्यार दिया, मतलब आपको इतना ज़्यादा पसंद आया कल का ब्लॉग। मैंने जो इनके सिंगिंग का ब्लॉग डाला था, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया, आपने बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट किए। एक्चुअली बहुत लोगों ने ऐसा बोला है कि मतलब मैं पूरा सॉन्ग सुनाया करूँ, तो उसमें क्या होता है कि कॉपीराइट आ जाता है, इसीलिए मैंने छोटी सी क्लिप ऐड की थी, तो चैनल पे कॉपीराइट आ जाता है सॉन्ग की वजह से, इसलिए मैंने सोचा था कि थोड़ी सी क्लिप ऐड कर देते हैं, आपको सुनने के लिए मिल जाएगा, आवाज़ भी सुनने के लिए मिल जाएगा। हमारा तो डेली का रूटीन नहीं है, बट मैंने ऐसे शूट कर लिया था आज सडनली, और आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया, आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की इनकी आवाज़ सुनने के लिए बार बार, तो मैं ऐसा किया करूँगी कि थोड़ी सी क्लिप जो आपने कल सुनी है वैसे ही क्लिप आपको मैं तो थोड़ी थोड़ी ऐड कर दिया करूँगी कभी कभी, जब भी ये गाना गाते हैं। और बस चलिए फिर अभी डिनर बनाते हैं, क्योंकि डिनर बनाने का टाइम हो गया है, 8:30 बज गया है। डिनर में ना बनने वाला है सिंपल सा डिनर, जो मसूर की साबुत दाल होती है वही मैं बनाने वाली हूँ आज, वो जो क्या बोलते हैं ऑरेंज दाल नहीं, जो साबुत दाल होती है काली वाली, वो बनाने वाली हूँ। तो चलिए उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, बहुत टेस्टी बनती है यार, बहुत से लोगों ने खाई भी होगी, बट चलिए मैं कैसे बनाती हूँ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। चलिए फिर रेसिपी देखते हैं, उसके बाद बात करती हूँ आपसे, क्योंकि खाना जल्दी से बनाना है मुझे, ऑलरेडी लेट हो गया है। तो
गाइज यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें तेल ऐड किया है, ऑयल ऐड किया है, और उसमें ना मैंने ऐड किया है थोड़ी सी लौंग, थोड़ी सी इलायची, और उसके बाद काली मिर्च, और उसे अच्छे से होने देना है तेल में, और उसके बाद उसका फ्लेवर तेल में आ जाए, मतलब ऑयल में आ जाए, तो उसके बाद आपको इसमें ऐड करना है ऐसे मोटा मोटा प्याज, और इसे आपको ज़्यादा नहीं पकाना है, और उसके बाद उसमें ऐड करना है आपको टोमेटो, और टोमेटो गलने के लिए ना थोड़ा सा हम लोग नमक भी ऐड कर देंगे, तो नमक से क्या होता है कि बहुत जल्दी टोमेटो गल जाता है और हमारा मसाले के लिए रेडी हो जाएगा मसाला। वहाँ पर हमारा मसाला भून रहा था तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक कुकर में जो मसूर होता है साबुत मसूर वो मैंने डाल दिया, और उसमें सीटी लगाना है हमें दो ही सीटी लगाना है, एक से दो सीटी लगा लेना है हमें इसे, मतलब ज़्यादा इसे गलने नहीं देना है, तो एक से दो सीटी में ही अच्छे से पक जाएगा, और इसे अच्छे से वॉश करना है पहले तो आपको, और उसके बाद आपको पानी डाल के सिर्फ पानी ही डालना है, उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, नमक वगैरह हल्दी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है, बस पानी ऐड करके थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड मतलब थोड़ा सा कम पानी ऐड करना है, थोड़ा सा ज़्यादा बोल रही हूँ, थोड़ा सा कम पानी ऐड करना है, और उसके बाद आपको इसे सीटी लगा लेनी है, एक से दो सीटी लगा लेनी है, और उसके बाद यहाँ पर जो मेरा मसाला मैंने भुना था वो भून चुका था और ये ठंडा भी हो चुका था, तो अब हम इसे पीस लेंगे, निकाल लेंगे हम एक मिक्सी पॉट में, और इसे हमें पीसना है अच्छे से, इसका फाइन पेस्ट करना है हमें। जब तक हम लोग ये मसाला वगैरह पीसते हैं या ये सारी प्रोसीजर करते हैं तब तक हमारी जो मसूर है साबुत मसूर उसे सीटी भी आ जाएगी और ये भी वो भी पक जाएगा, तो मैं यहाँ पर मसाला रेडी कर रही हूँ, और एक्चुअली यहाँ पर ना ये मसाला आपको बहुत अच्छे से मतलब बहुत चिकना पेस्ट करना है इसका, नहीं तो आप दरदरा पेस्ट करोगे ना तो उतना अच्छे से मज़ा नहीं आएगा, बहुत चिकना पेस्ट करना है इसका आपको, और सिर्फ पेस्ट बनाने के टाइम ना ध्यान रखना है कि इसमें आपको पानी ऐड नहीं करना है, बस विदाउट पानी आपको ये पेस्ट बना लेना है, और मैं यहाँ पर कढ़ाई में तेल चढ़ा रही हूँ इसके लिए, मतलब सब्जी के लिए, अभी जो दाल हम लोग बनाने वाले हैं, जो दाल तड़का बनाने वाले हैं, और यहाँ पर मैं ना कूट रही हूँ लहसुन अदरक और हरी मिर्च, ये साथ में कूट रही हूँ, एक्चुअली ना इसका फ्लेवर ना बहुत अच्छा आता है अगर कूटा हुआ इसमें ऐड करते हैं, जो पेस्ट मैंने बना के रखा था मतलब जो मैं बना के रखती हूँ वो पेस्ट ऐड नहीं करना है हमें, जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट मैं बना के रखती हूँ वो ऐड नहीं करना है, हमें ना सिर्फ ये दरदरा पिसा हुआ ही मसाला चाहिए होगा, और ये ना इसमें दरदरा पिसा हुआ ही मसाला डलता है, तो इसी वजह से ये ऐसे पीस लिया है मैंने, और पहले जीरा ऐड किया है ऑयल में, उसके बाद ये वाला मसाला ऐड करूँगी, मतलब अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट ये वाला ऐड करूँगी, और उसके बाद इसे अच्छे से चला लूँगी, मतलब इसकी कच्ची स्मेल चली जाने तक अच्छे से भूनना है आपको इसे, और उसके बाद मैं उसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, और लाल मिर्च पाउडर ना ध्यान से ऐड करना है नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा तीखा हो जाएगा, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा गर्म मसाला ऐड किया है, और उसमें ऐड किया है धनिया पाउडर, और अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसे, और मैंने बाद में जो ऐड किया है ना तो वो है ये प्याज लहसुन का पाउडर, इसका पैकेट ही मिलता है एक्चुअली हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में ही मिलता है, तो इसी वजह से ये ऑप्शनल है, मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि ये डालना ही है आपको, तो इससे अच्छा टेस्ट आ जाता है, बट हम लोग महाराष्ट्र यूज़ करते हैं कांदा लहसुन मसाला बोलते हैं हमारे साइड में, ये अमेरिका मिलता है, तो उसके बाद ना आपको अच्छे से उसे चला लेना है सारी चीज़ों को, मसालों को, और उसके बाद जो हमने पेस्ट बना के रखा था वो ऐड करना है, मतलब जो हमने प्याज और टोमेटो का पेस्ट बनाया था वो ऐड करना है हमें उसमें, और उसके बाद थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे और उसे अच्छे से चला लेंगे, मतलब ये मसाला हमारा भून चुका है यहाँ पे, उसके बाद मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और अच्छे से मसाले को पकने दूँगी, थोड़ा सा ढक्कन रख के थोड़ी देर पकने देना है आपको 5 मिनट तक मसाले को, और उसका फ्लेवर आ जाएगा अच्छे से, और उसके बाद ना हम उसमें ऐड करेंगे ये जो हमने यहाँ पर पका के रखा है मसूर, तो ये ऐड करना है आपको उसमें, बस यहाँ पर मसाला हमारा पक चुका था, 5 मिनट तक हमें पकाना है ढक्कन रख के, और आप देख सकते हो इस तरह की कंसिस्टेंसी में ये पक गया है, मतलब ज़्यादा गला नहीं है ये, और ज़्यादा वो भी नहीं रहा है, कच्चा भी नहीं है, तो मीडियम हो गया है, तो दो ही सीटी ले लेनी है आपको, और उसमें ऐड कर देना है वो आपको, और कंसिस्टेंसी आपको जैसी चाहिए वैसी आप रख सकते हो, गाढ़ी चाहिए तो गाढ़ी रख सकते हो, अगर आपको थोड़ा सा पतला चाहिए तो मुझे थोड़ा सा पतला चाहिए था एक्चुअली, तो मैंने थोड़ा सा पतला ले लिया, मतलब थोड़ा सा पानी डाल दिया उसमें, गरम करके पानी ऐड करना है आपको, हमेशा याद रखना है कि आपको कोई भी सब्जी जब आप बनाते हो ना तो गरम करके पानी ऐड करना है, उसके वजह से ना उसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसके बाद आपको इसे बॉईल कर लेना है 5 मिनट तक, बस यहाँ पर मेरे दाल फ्राई जो है वो
रेडी हो गई है। यहाँ पर आप इस पर तड़का भी लगा सकते हो लाल मिर्च का, मतलब लाल मिर्च जो होती है साबुत लाल मिर्च, उसका भी तड़का लगा सकते हो आप इसमें, बट मैंने नहीं लगाया क्योंकि बच्चे खाने वाले होते हैं और फिर ज़्यादा तीखा लगता है ना, तो वो हो जाता है कि उनको पसंद नहीं आता है, तो बच्चे खाते नहीं है फिर, तो इसीलिए मैं यहाँ पर चावल लगा रही हूँ। थोड़ा सा मैंने चावल वॉश कर लिया, उसमें मैंने नमक और तेल ऐड किया है, तो बस चावल भी यहाँ पर बन जाएंगे हमारे और बस डिनर रेडी हो जाएगा। और एक बार ये वाली जो दाल फ्राई है बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, एक बार ज़रूर ट्राई करना आपने ये वाली रेसिपी। और यहाँ पर मैं ना जो मैंने सुबह बनाया था, मतलब करेला, वो बना रही हूँ, मतलब वो गरम कर रही हूँ। एक्चुअली ये ना हम लोग ऐसे क्रिस्पी करेला बनाते हैं, एक्चुअली ये ना करेला क्या होता है कि काट के हमें उसे नमक और हल्दी लगा के सुखा लेना होता है और उसे वो सूख जाए उसके बाद हमें फ्राई करना होता है उसे, थोड़ा सा तेल ऐड करके उसमें थोड़ा सा नमक लाल मिर्च ऐड करके अच्छे से फ्राई करना होता है, मतलब जब क्रिस्पी बन जाए वो तो आपका वो खाने के लिए रेडी हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने सुबह बनाया था वो मैं गरम कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, जैसे चिप्स वगैरह हम लोग नहीं खाते हैं केले वगैरह के चिप्स वैसे, ये उसके जैसे चिप्स बनते हैं, मतलब करेले के चिप्स, तो हम लोग ऐसे ही खाते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, मतलब क्रंची बनते हैं, तो इसीलिए बहुत टेस्टी लगते हैं, एक बार ज़रूर ट्राई करना ये भी रेसिपी। डिनर बन गया है, मतलब बस मैंने ये चढ़ा दिया है गैस पे, अभी चावल चढ़ा दिया है, चावल हो जाएंगे और मैंने बनाया है रोटी और उसके बाद ये दाल फ्राई बनाई है जो आपने इसकी रेसिपी देखी, और करेला है और राइस है। तो आप आ गए, ये देखो अद्विक भी आ गया है खाना खाने के लिए, खाना खाने के लिए आए हो ना, चलो फिर आपको भूख लगी ना, मुझे जोर से भूख लगी, आपको जोर से भूख लगी, हाँ। चलो फिर चलो, चलिए चलते हैं खाना खाते हैं पहले, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। देखिए थोड़ी देर भी किचन में रहती हूँ ना तो पसीना पसीना हो जाती हूँ, बहुत ज्यादा गर्मी है यार यहाँ पे, और ये क्या होता है कि अगर फैन ऑन करती हूँ तो गैस बुझने का वो रहता है, मतलब गैस थोड़ा सा फ्लेम का प्रॉब्लम हो जाता है गैस के, और जल्दी से पकता नहीं है खाना, तो इसी वजह से फैन भी ऑन नहीं कर सकती हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, पूरा फेस ऑयली हो जाता है मेरा तो। हे गाइस, डिनर वगैरह हो गया है और बहुत लेट हो गया है, आज 11:15 बज गया अभी, तो ब्लॉग को एंड करने का भी टाइम आ गया है, तो चलिए फिर सबसे पहले मैं बर्थडे विश कर लेती हूँ। और कौशल जी ने रिक्वेस्ट की थी, उनके छोटे भाई का बर्थडे है कल, मतलब जिस दिन ये ब्लॉग आएगा 10 मई को, तो उनके छोटे भाई का बर्थडे है, तो उनके छोटे भाई को विश करना है मुझे, क्योंकि उनको सरप्राइज देना था उनके छोटे भाई को, तो उनके छोटे भाई का नाम है फजिल पाशा, तो हैप्पी बर्थडे फजिल पाशा, आपका ये साल बहुत ही अच्छे से जाए और इस साल आपकी सारी विश पूरी हो जाए। आज का जो फर्स्ट नाम है वो है सोनाली घोष और सेकेंड नाम है अश्विनी आल्हाट ने रिक्वेस्ट की थी उनका और उनकी बेटी का नाम लेने के लिए, तो उनका नाम है अश्विनी आल्हाट और उनकी बेटी का नाम है आराध्या आल्हाट, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ यू। और चलिए फिर इसके साथ इस ब्लॉग को यही पे एंड करती हूँ, और जिन जिन का नाम इस ब्लॉग में नहीं आया है तो वो आप इस ब्लॉग पे कमेंट करके मुझे बता सकते हो, आपका नेक्स्ट ब्लॉग में मैं नाम लेने की जरूर कोशिश करूंगी। और आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो, और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट की रिव्यूज़, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज़, हॉल वीडियोज़, मेकअप वीडियोज़ इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।